आदाब नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं। जनपद सीतापुर के ब्लॉक सकरन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुमराव में साधन सहकारी समिति की हालत खस्ताहाल है। जहां ग्रामीणों को एक तरफ धान रोपाई है तो खाद की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन के लोग साधन सहकारी समिति की हालत को लेकर बेखबर नजर आ रहे हैं। वहीं समस्या को लेकर जब हमारी टीम ग्राम पंचायत सुमराव पहुंची और वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि मौजूद साधन सहकारी समिति तक जाने वाले संपर्क मार्ग में काफ़ी पानी भर जाता है। इसके साथ ही साधन सहकारी समिति के गोदाम में भी बरसात के दिनों में पानी भरने की समस्या भी कोई आम बात नहीं, जिससे आए दिन सैकड़ों बोरी उर्वरक नमी के चलते खराब हो जाती। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए अंशुमान शुक्ला के साथ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? हमारे वहाँ इस समिति में आने जाने के लिए कोई मतलब बरसात में कोई रास्ता नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है फिर से रास्ते का जो है उन्नीकरण हो जाए, ऊंचा कर दिया जाए थोड़ा और जो है समिति की जगह है इसको पटवा दिया जाए तो जल भराव कम हो जाए और गाँव वालों को किसानों को उसको सुविधा मिल जाए। अच्छा, आप लोगों ने इसके समिति को लेकर किसी से शिकायत की, किसी अधिकारी वगैरह से या ग्राम पंचायत के प्रधान से? अभी तो प्रधान जी से फिलहाल इन्होंने कहा है, समिति संचालक जी ने, अब वहाँ क्या प्रधान जी ने बताया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अब कार्रवाई के लिए जो है ब्लॉक पर देने के लिए तैयार हैं, तैयार किया एप्लीकेशन। क्या नाम है भैया आपका? अवनीश यादव। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या यही है, हमारे किसानों को आने जाने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, बहुत कीचड़ और पानी भरा रहता है रास्ते पर, चारों तरफ पानी ही पानी है। अच्छा, इस समस्या के समाधान के लिए आपने किसी से बात की, प्रधान वगैरह से? नहीं की, बस प्रधान से एक बार की थी बात, वो झावा के लिए, वो भी दो ठेलिया के लिए, तो दो ठेलिया झावा भी नहीं दिए हम।